तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ निधन। काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली आवाज आज हो गई हमेशा के लिए खामोश। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल PMS मीडिया की राजनीति से जुड़ी खबरों में हम लेकर आए हैं आपके लिए खबर सीधे एम्स अस्पताल से। यूरिन में इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन की परेशानी के चलते 11 जून से एम्स में भर्ती करवाए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज यानी कि 16 अगस्त शाम निधन हो गया। देश की दमदार आवाज जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता पसंद किया करते थे, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मधुमेह के शिकार वाजपेयी का एक ही गुर्दा काम कर रहा था। उनके स्वास्थ्य में बुधवार से तेजी से गिरावट आई थी। पिछले 24 घंटे में पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत बेहद खराब थी। उनके दूसरे मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि उनकी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था, जिसके बाद से उनको देखने के लिए एम्स में नेताओं का तांता लग गया। बीजेपी के संस्थापकों में शामिल वाजपेयी वर्ष 1996 से 99 के बीच तीन बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी सन 1996 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही रह पाई। दूसरी बार वर्ष 1998 में वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी सरकार 13 माह तक चली। वर्ष 1999 में उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। उस समय में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 10 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुना गया। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए मानव अधिकारों की रक्षा के साथ साथ रंग भेद जैसे गंभीर मुद्दों का भी जिक्र किया था। आज 93 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली और देश का एक दमदार नेता हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो निशब्द हैं, वो शून्य हैं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। चैनल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी के लिए दीजिए अब इन खबरों से इजाजत। फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।